नमस्कार साथियों, अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज आपके सामने प्रस्तुत है करिकुलम ड्रामा के तहत टैग विद द टास्क एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, चाइल्ड सेंटर जॉयफुल लर्निंग को प्रोत्साहित करना है। मैं यह ऐड करना चाहूँगा कि इस एक्टिविटी को बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग वो अपने टॉपिक अनुसार मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है तथा इस एक्टिविटी के माध्यम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी इजी है। उम्मीद आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मोस्ट एंटरटेनिंग है, या बोर बिल्कुल नहीं होंगे। अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस पे आने वाले हैं आपसे मिस ना हो। थैंक यू। यू विल रेज योर राइट हैंड व्हेनेवर आई विल से लो एंड यू विल रेज योर लेफ्ट हैंड। ओके ओके यस। टाइगर लॉयन, टाइगर लॉयन, लॉयन या प्लीज। नाउ आई विल स्टार्ट विद एन एक्टिविटी टैग विद द टास्क। ओके ओके टैग विद द टास्क। यू हैव टू टैग वन पर्सन फॉर अ टास्क। ओके इज इट क्लियर? यू मे गिव एनी टास्क, प्लीज बी सीट। Your task is jogging. Okay. Same. Yeah. Okay. Okay, very good. Now you may tag anyone else. I will tag Krishna Kumar sir. I will request him to sing a song for us. Okay, his task is to sing a song. Very good, sir. Please. मोटा काला बहुत लंबा तगड़ा, वो ना लगातार धक्के लगा रहा है सबको। ठीक है, तो धक्के लगने से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो इरिटेट होकर उसको धमका रहे हैं, फिर वो ताकतवर भी ज्यादा है तो अपनी रोबीली आवाज से डराता है उनको। तो पहले वो डराते हैं लोग उसको, मोटे को, और फिर वो डरते किस तरह से, ये सिचुएशन में आपके सामने रखता हूँ। अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सबसे पहले हमारे सिंधी साहब थे, वो खड़े थे, तो उनको धक्का लगता है, तो काफी देर हो चुकी थी, तो सिंधी साहब कहते हैं, बड़ी पापा धक्का नहीं दिया यार, बड़ी धक्का नहीं दिया, बड़ी पापा धक्का धक्का नहीं करी, बड़ी मोटा पापा यार, तुम्हारा पेट है इंजन का डब्बा है यार, धक्का नहीं दियो, धक्का नहीं दियो, तो मोटा धक्का नहीं दियो, नहीं धक्का तो नहीं दिया बाबा यार, बाजू वाले कपड़ों का होता है यार, धक्का नहीं दियो, धक्का नहीं दियो। इसके बाद हमारे पठान साहब खड़े थे, तो उनको धक्का लगता है, तो वो किस तरह से करते हैं, ओए करबूजे का ओला तू पकड़ के बच्चे को धक्का नहीं दे यार, ए खुदा कसम हम तेरी टांगे तोड़ेगा यार, ये पठान का सब चक्कर धक्का बर्दाश्त करता, वो और होता मालूम की दिल का की गिरती, धक्का नहीं दियो यार, धक्का नहीं दियो, मोटा धक्का नहीं दियो, धक्का दो यार, धक्का दो, ओ खुदा कसम ईमान कसम यार, कोई बीच में बोले ना उसके टांगे तोड़ेगा यार, तू बोले धक्का दो। इसके बाद हमारे मद्रास साहब करे थे, तो उनको धक्का लगता है, तो वो किस तरह से करते हैं, आई एम व्हाट आई
कमीन ना तो जाड़िया यार तुम कैसे पैदा हुआ रे तुम मेरे को धक्का देते हैं अन्ना में नारियल पानी छिड़ते बच्चे को छिड़ डाले जा रहे धक्का आगे देने का धक्का आगे देने का होता धक्का आगे देने ये धक्का आगे देने का यार मर्जी है यार तुम्हारा धक्का दो नहीं यार धक्का दो इसके बाद एक न्यूज एंकर खड़े थे कुछ बोलने वाले खड़े थे तो उनको भी धक्का लगता है तो वो अपने फोन में नमस्कार आज के मुख्य समाचार कुछ इस तरह से हैं घड़ी की सुई में 12 बजे हैं और यहाँ एक मोटा कमीना बदतमीज लगातार आधे घंटे से धक्के मार रहा है अब मोटे तूने अगर अपनी धक्के बंद ना की तो मैं कमिश्नर से कहलवाकर मोदी जी से कहलवाकर तुझे बमबारी करवाऊंगा गोला बारूद चलवाऊंगा मोटा अब समाचार समाप्त हुए ससुराल में जब हम आए थे सास ने घी को बड़े तरसाए थे मक्खन से चुपड़ी रोटी वो हमारी तरफ सरकाए सांस से जब हमरी नहीं बनती सांस से हमरी जब नहीं बनती थी मैं ऊपर ही तो तनती थी वो हमको सुनते जाते थे मुंह से कभी ना बतियाते थे मुंह से कभी बुरा ना बतियाते थे बस वही तो प्यार था तब चूल्हे पर खाना बनता था ये बुके शुके कहाँ होते थे तब चूल्हे पर खाना बनता था कुकर में सीटी जब आती थी उनकी नजरें हम पर टिक जाती थी हमको भी बड़ी शर्म आती थी बस वही तो प्यार था तब आप शाप कहाँ करते थे आपने बोलते तू बोलते तब आप शाप कहाँ करते थे तू पर ही सब सरकाते थे तू से ही सबको सरकाते थे वो भी तू हम भी तू हाँ बस नाम से नहीं पुकारते बस वही तो प्यार ये कहते कहते राम कटोरी बुआ थोड़ी इमोशनल हो गई हमने भी उनसे कह दिया बुआ सीटी भी वही है कुकर भी वही है अब भी जब मसूरी जाते हैं जीन्स पीन्स तो कॉमन हो गई मिट्टी शिट्टी गया ये देश देख रहा है मेरे देश के विद्यार्थी में से कैसे नेता निकलेंगे कैसे इंजीनियर निकलेंगे कैसे डॉक्टर निकलेंगे अच्छे नेता अच्छे इंजीनियर अच्छे डॉक्टर अच्छे इंसान भले लोग निकलेंगे तो देश जो है विकसित तो होगा इसी विषय को लेकर मैं विद्यार्थी से संबंधित एक पोयम सुनाता हूँ हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो
कल के हिंदुस्तान की। आज के टूटे खंडहरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हमसे न हुआ हो वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादे हो दुनिया के नए जहान की, हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। जीवन में अनुशासन लेकर तुमको आगे बढ़ना है, जीवन में अनुशासन लेकर तुमको आगे बढ़ना है। भारत को विकसित करने के लिए तुमको पढ़ना है, बड़ी बड़ी मुसीबतों के आगे तुमको अड़ना है। तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की, हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। जो तुम्हारे पास है व्यवस्था इल्म के फूलों का गुलदस्ता, राम है इसमें कृष्ण है इसमें बुद्ध मत और इस्लाम है इसमें। हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। हे विद्यार्थी तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान। तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए, सुना हो जाए। तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अंक में ले लो अगर मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्ण इकाई में बदल जाए। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम। मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरे हर ख्वाब में तुम हो मगर मेरे नहीं हो तुम। आप लोग भी गा सकते हैं। शाद का मतलब होता है हैप्पी और नाशाद का मतलब होता है अनहैप्पी। जो पहले शाद करता था वो अब नाशाद करता है, जो पहले शाद करता था वो अब नाशाद करता है, ना अब वो दिल धड़कता है ना अब फरियाद करता है, ना अब वो दिल धड़कता है ना अब फरियाद करता है। अलग है तू मसरूफियत के अंदाज है अपने, तुझे ये तक नहीं है याद कोई याद करता है। वर्क अलग मसरूफियत के है तेरे अंदाज, तुझे ये तक नहीं मालूम कोई याद करता है। वर्क प्लीज।
लाइक अवर वीडियो एंड शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो में एनेक्ट किया, जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया, मुझे शेयर किया, वो आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की। इस वीडियो में कुछ साथियों की डिटेल्स मैं नहीं दे पाया, इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है इस एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को ईजी व चाइल्ड सेंटर्ड प्ले वे मेथड से आप करा सकते हैं और इस एक्टिविटी को आगे भी बढ़ा सकते हैं ताकि सभी तक पहुँचे। अब आगे 10th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज चालू होना है, अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। इस चैनल का उद्देश्य समाज के हर तबके को अवेयर व एजुकेट करना है। इसी वादे के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।